सलाह किससे लें? हर किसी से सलाह नहीं लेने का, एक्सपर्ट से सलाह लेना भी खतरनाक होता है। वो एक्सपर्ट है लेकिन वो आपको सलाह वो देगा जिसमें उसका फायदा हो। एक अच्छा सलाहकार कृष्ण को मिला, अर्जुन की जिंदगी बन गई। एक बुरा सलाहकार दुर्योधन को मिला, उसकी जिंदगी खराब हो गई। तो चुनना बड़ा मुश्किल है भैया, किसके किससे सलाह लें, सलाह किससे लें, किससे सलाह लेना है, इस बात का ख्याल हमेशा रखो। हर किसी से सलाह नहीं लेने का, क्योंकि आज की दुनिया में ना चारों तरफ शकुनी है सर, कृष्ण नहीं है कोई भी, शकुनी चारों तरफ है। जिनकी सलाह से आप दुर्योधन बनोगे, दुर्योधन कौन था मालूम है ना, बर्बाद कर दिया था आपने आपको, शकुनी की सलाह की वजह से उसकी जिंदगी खराब हो गई। तो ऐसे चारों लोग हैं, कृष्ण कोई भी नहीं है। एक अच्छा सलाहकार कृष्ण को मिला, अर्जुन की जिंदगी बन गई। एक बुरा सलाहकार दुर्योधन को मिला, उसकी जिंदगी खराब हो गई। और लोग कहते हैं एक्सपर्ट से सलाह लो, जिस इंडस्ट्री में जाना है उसका जो एक्सपर्ट है उससे सलाह लो। मैं इसके भी खिलाफ हूं सर। एक बात बताओ, किसी प्रॉपर्टी के एक्सपर्ट से जाकर के आप ये सलाह लो उससे कि मुझे कहां इन्वेस्ट करना चाहिए अपने पैसे को वेल्थ बढ़ाने के लिए, क्या वो कभी स्टॉक मार्केट बोलेगा? क्या वो कभी पीपीएफ बोलेगा? क्या वो कभी गोल्ड बोलेगा? क्या वो एफडी बोलेगा? वो प्रॉपर्टी ही बोलेगा। और अच्छा, प्रॉपर्टी में भी वो प्रॉपर्टी बोलेगा जिससे उसका मार्जिन, उसका कमीशन हो। वो एक्सपर्ट है लेकिन वो आपको सलाह वो देगा जिसमें उसका फायदा हो। अभी कुछ दिनों पहले मैं इंटरव्यू देख रहा था रॉबर्ट कियोसाकी का, मुझे इतनी वाहियात बात लगी रॉबर्ट कियोसाकी की। हालांकि रॉबर्ट कियोसाकी की मैं काफी सारे बुक पढ़ाया, आपने ही पढ़ा होगा, रिच डैड पुअर डैड, क्वाड्रेंट फ्लो, चार क्वाड्रेंट, पता नहीं क्या क्या, मैं बड़ा मानता था उनके। लेकिन उस इंटरव्यू के बाद थोड़ी इज्जत कम हो गई मेरी नजरों में, मालूम क्यों? उस आदमी से पूछा गया सवाल में कि आप स्टॉक मार्केट के बारे में क्या सोचते हो, वो कहता है स्टॉक मार्केट नहीं 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 गैम्बलिंग, पैसा वापस आता ही नहीं वहां पे, अंग्रेजी में बोल रहे भाई साहब, पैसा वापस आता ही नहीं है। क्या इलॉजिकल बात है? अरे भैया तुम्हारे सामने वॉरेन बफे नहीं है, उसको नहीं देख रहे हो? अच्छा, वो गलत नहीं बोल रहा है, गलत बोलने का मतलब उसको पता है कि स्टॉक मार्केट की पावर क्या है, बस लेकिन वो स्टॉक मार्केट की तारीफ इसलिए नहीं कर सकता कि बेचारा उसका मेन धंधा रियल एस्टेट में है, तो वो तो लोगों को पैसा रियल एस्टेट में लगवाएगा ना, रियल एस्टेट का बंदा है वो, कोच है, ट्रेनर है, उसके सारे बुक्स आप देखो ये तो रियल एस्टेट के इर्द गिर्द घूमेंगे या एमएलएम के इर्द गिर्द घूमेंगे, स्टॉक मार्केट का बंदा ही नहीं है। उसका पता है स्टॉक मार्केट से कमाया तो जा सकता है लेकिन मैं प्रमोट नहीं कर सकता, मैं बोलूंगा तो प्रमोट हो जाएगा, नहीं नहीं स्टॉक मार्केट बहुत बुरा है। देखो मैं पर्सनली किसी का प्रमोटर नहीं हूं, मैं तो स्टॉक मार्केट भी आपको सिखा देता हूं, मैं तो प्रॉपर्टी भी आपको सिखा देता हूं, मैं दोनों में घुसा हूं, मेरा पर्सनल धंधा तो दोनों में है। लेकिन चूंकि उसका प्रॉपर्टी में है तो वो स्टॉक रिकमेंड नहीं करेगा, जो स्टॉक में ही है वो प्रॉपर्टी रिकमेंड नहीं करेगा। सर एक्सपर्ट से सलाह लेना भी खतरनाक होता है वो भी अपने फायदे की बात आपको बोलेगा, आपके फायदे की बात बाद में। तो चुनना बड़ा मुश्किल है भैया, किसके किससे सलाह लें। मेरे हिसाब से जो बेस्ट है सलाह वगैरह ऑनलाइन दुनिया में गूगल यूट्यूब वगैरह है, किताबें पढ़ो सीखो। एग्जैक्ट सलाह लेना किसी से मुश्किल है सर, ज्ञान लेना पड़ेगा आपको। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ो, अगर यूट्यूब में करियर बनाना है तो यूट्यूब के बारे में पढ़ो, ड्रॉप शिपिंग या एफिलिएट या कुछ भी काम करना है सर उसके बारे में पढ़ो समझो और फिर देखो कि मैं कैपेबल हूँ नहीं कैपेबल हूँ, कैपेबल बनने के लिए वहाँ जो क्या मुझे क्या सीखना है, कौन सिखा रहा है, कैसे सिखा रहा है, उस पर करो मास्टरी। और खास करके रिश्तेदारों के सलाह से तो खास करके बचे रहो सर, रिश्तेदार मजे लेने वाले होते हैं, रिश्तेदार पड़ोसी ये सब, मैं सारे नहीं कह रहा लेकिन मैक्सिमम सब मजे लेने वाले होते हैं। ये जो समाज है ना आपके आसपास सर, ये समाज कभी नहीं जाएगा कि आप उनकी औकात से ऊपर औकात बना लो, कभी नहीं चाहेगा वो, फिर तो कष्ट हो जाएगा उनको। वो हमेशा चाहेंगे कि उनकी जो औकात है ना समाज में आप उनके नीचे ही रहो एक कदम, वो बराबर भी नहीं आने देना चाहेंगे आपको, क्योंकि वो आप पर हुकुम कैसे जमाएंगे, अपना राव आपका ऑर्डर आपको कैसे देंगे, ऊट पटांग अपना सलाह आप पर कैसे थोपेंगे। आप ज़्यादा समझदार हो गए, ज़्यादा औकात वाले हो गए तो आपको सलाह दे नहीं पाएंगे, है ना। तभी तो मैंने कहा गधों और घोड़े वाली बात, जब गधों के बीच रह करके आप बोलोगे मैं घोड़ा बनूंगा तो सारे वो कॉलर पकड़ने आए, तू घोड़ा बनेगा तू गधा है, हमारे बीच रह इधर उधर कैसे, बर्दाश्त नहीं है ना, आप उनके बीच रह करके उससे ऊपर चले जाओ, नहीं बर्दाश्त होता। समाज के हाँ में हाँ मिलाते रहोगे ना, समाज के सामने ज़्यादा झुक के रहोगे ना, लोग आपके पीठ का पायदान बना देंगे, चढ़ के बैठ जाएंगे उस पर। हर किसी की बात नहीं माननी, लोगों को ना बोलना सीखो,